दीपावली के साथ अन्नकूट महोत्सव का घनिष्ठ संबंध है। अपनी श्रद्धा, विश्वास, आस्था को व्यक्त करने और भेंट करने के पर्व का नाम है अन्नकूट। दिल्ली के अक्षरधाम स्वामी नारायण मंदिर में भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के महात्म्य के बारे में, इसकी तैयारी के बारे में हमने पूछा। भारतीय शास्त्रों में, पुराणों में, इन सब में अन्नकूट की परंपरा के बारे में क्या कुछ कहा गया है? अन्नकूट की जो परंपरा है उसका सबसे पुराना उल्लेख भागवत पुराण में है, और भागवत पुराण में ये बहुत 10वें स्कंद में बहुत डिटेल में दी गई है। और ये गोवर्धन पर्वत जिसकी हमने अभी पूजा की, वो गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। आपको ताज्जुब होगा कि चैतन्य महाप्रभु और उनकी परंपरा में जितने उसके शिष्य हैं कभी गोवर्धन के ऊपर नहीं जाते, क्योंकि वो समझते हैं गोवर्धन खुद भगवान कृष्ण का शरीर है, उसका दिव्यांग है, तो उसकी परिक्रमा करते हैं। अभी परिक्रमा जो होती है ना, वो 34 किलोमीटर की होती है, और ताज्जुब होगा कि बहुत से लोग दंडवत प्रणाम करके वो प्रदक्षिणा करते हैं। और ये नए साल के पहले दिन वो गोवर्धन के पास अन्न का कुट, अन्न का पर्वत भगवान को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, और उसके बाद सब उसका उपयोग करते हैं। अन्नकूट महोत्सव की तैयारियां और ये सब आप किस तरह करते हैं? हम ये अन्नकूट महोत्सव की जो तैयारी है वो कम से कम एक महीने पहले शुरू कर देते हैं, क्योंकि 1300 से ज़्यादा व्यंजन हमारे यहाँ बनते हैं, उसमें से जो बहुधा है 700-800 प्रकार के व्यंजन वो मंदिर के अंदर ही बनते हैं, और बाकी के हैं हमारे जो गृहस्थ हरिभक्त है वो अपने घर से बना के लाते हैं। और ये सब जो व्यंजन है वो ये नए दिन में, ये जो हमारा जो हिंदू नववर्ष है उसकी शुरुआत में उसका उपयोग हम करें, उसके पहले भगवान को वो प्रसाद लगा के, भोग लगा के, उसके प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। इस तरह प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अन्नकूट महोत्सव श्रद्धा, हर्ष, उल्लास के साथ मनाया गया।